नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्याम एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप एक डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सिविल ब्रांच के स्टूडेंट हैं और आपका इस बार फोर्थ सेमेस्टर है तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के न्यू सिलेबस 2023-24 के बारे में बताने वाला हूँ। सिविल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर में टोटल आपको कितने सब्जेक्ट्स को पढ़ने होंगे, कौन कौन से नए सब्जेक्ट को शामिल किया गया है और कौन कौन सी प्रकाशन का बुक परचेज करें ताकि हमारी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप एक डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और सिलेबस के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर में टोटल आपको कितने सब्जेक्ट्स को पढ़ने होंगे। तो दोस्तों, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के सिविल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर में टोटल आपको 7 सब्जेक्ट्स को पढ़ने होंगे, जिसमें नंबर 1 पे जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो है कम्युनिकेशन स्किल। सेकंड, ये सब्जेक्ट आपका कॉमन सब्जेक्ट होता है। दोस्तों, जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट को पढ़ा था, सेम उसी तरीके से इसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल सेकंड को पढ़ना होगा। इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटेन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का रिटेन एग्जाम होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 20 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं। यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों, आपको इसकी बुक सार्थक पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नंबर 2 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हाईवे इंजीनियरिंग, इसे शॉर्टकट में HE के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटेन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का रिटेन एग्जाम होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 20 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं। यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों, आपको इसकी बुक भी सार्थक पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नंबर 3 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इरिगेशन इंजीनियरिंग, इसे हिंदी में सिंचाई इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसमें आपका मल्टी रिटेन एग्जाम होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल, वाइवा नहीं कराए जाते हैं। और दोस्तों, आपको इसकी बुक भी सार्थक पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नंबर 4 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सर्वेइंग फर्स्ट। दोस्तों, ये सिविल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी। इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटेन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का रिटेन एग्जाम होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 20 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं। यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों, आपको इसकी बुक सार्थक पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नंबर 5 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट, इसे शॉर्टकट में RCC के नाम से भी जानते हैं। ये सब्जेक्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी। इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है? दोस्तों, इसमें आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस सब्जेक्ट को थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन इतना भी हार्ड सब्जेक्ट नहीं होता है। दोस्तों, आपका इसमें ओनली रिटेन एग्जाम होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल, वाइवा नहीं कराए जाते हैं। और दोस्तों, आपको इसकी बुक भी सार्थक पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नंबर 6 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एनर्जी कंजर्वेशन। दोस्तों, ये सब्जेक्ट आपका कॉमन सब्जेक्ट होता है। इसमें आपको एनर्जी को कन्वर्जन करने के बारे में बताया जाता है कि कैसे एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्जन करते हैं, इसके बारे में आपको इसमें स्टडी कराया जाता है। ये सब्जेक्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी। और दोस्तों, आपको इसकी बुक भी सार्थक पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट जो सिविल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को पढ़ना होगा वो है RCC ड्राइंग। इसका फुल फॉर्म होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट ड्राइंग। दोस्तों, जैसे कि आपने रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट सब्जेक्ट को पढ़ा है, उसी सब्जेक्ट को इसमें ड्राइंग बनाकर समझाना होता है। इसमें आपका ओनली रिटेन एग्जाम होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल, वाइवा नहीं कराए जाते हैं। और दोस्तों, आपको इसकी बुक भी सार्थक पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों, ये टोटल आपको 7 सब्जेक्ट को पढ़ने होंगे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड सिलेबस के बारे में वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।